एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय पर एक बड़ा पेड़ आकाश की ओर जा रहा था। वो वैसे आते हुए मालगुड़ी नाम के गांव के बाहर आके रुका। उस पेड़ के दरवाजे खुलते ही उसमें से ताटकी नाम की राक्षसी और हिरण्य नाम का राक्षस बाहर निकले। यही हमारे लिए सुरक्षित जगह है, कुछ दिन यहीं रहकर हमारा काम यहीं से करेंगे। ठीक है। अगले दिन उस पेड़ की ओर से एक ट्रक जा रहा था। ताटकी उस ट्रक को रुकाए। उस ट्रक का ड्राइवर उन्हें देखकर डर गया। हिरण्य हाथ को हवा में घुमाया। बात खत्म। वो ट्रक उस पेड़ के अंदर चला गया। बाद में एक ट्रैक्टर वहां से गुजरा तो ताटकी हाथ हवा में उड़ाई। वो ट्रैक्टर भी पेड़ के अंदर चला गया। बाद में ताटकी हिरण्य पेड़ के अंदर गए। वहां चारों तरफ सोना ही था। सोने के पहाड़ भी चारों तरफ थे। लोग सभी वहां कुल्हाड़ी से खोद रहे थे। कुछ लोग सोने को उठाकर लेकर जा रहे थे। ट्रैक्टर ड्राइवर डर के मारे घबरा रहे थे। क्यों रे दुष्ट मानव, तुम्हें किस लिए बांध के रखा क्या अभी तक मालूम नहीं पड़ा? हमें ठीक से रवाना ना होने के कारण इस पहाड़ से खोदे सोने को ठीक से हमारे देश के ओर लेकर नहीं जा पा रहे, इसलिए हमें ट्रक और ट्रैक्टर की जरूरत आ पड़ी। अब से तुम दोनों जिंदगी भर इस सोने को हमारे देश के ओर रवाना करना ही होगा। कुछ उल्टा सवाल किया तो हम तुम्हें इन्हीं सोने में समाधि कर देंगे, खबरदार। वैसे वो दो राक्षस उस रास्ते से जाते जीप्स, बसेस, ट्रक्स सभी वाहनों को गायब कर देते थे। मालगुड़ी सरपंच लोगों का समावेश किया। ग्रामवासियों, तुम सबको तो मालूम है ना, उस पेड़ के रास्ते गए सभी वाहन गायब हो गए। हम कई सारे सुरक्षा बालों को भेजकर उस पेड़ के पास जांच पड़ताल किए, पर हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। वो पेड़ की माया का पता हम अब तक नहीं कर पाए। कोई उस तरफ अपने वाहनों को लेकर मत जाइए। तुम लोग काम पे पैदल ही जाओ। सब लोग चौकन्ना रहो। गांव वाले सभी डर के मारे कांपने लगे। वैसे उस गांव में से और उस गांव के चारों तरफ के गांव से कोई भी गाड़ियां उस तरफ जाना बंद हो गया। उस मालगुड़ी गांव में दिनकर नाम का जेसीबी वाला रहा करता था। उसको आरती नाम की पत्नी, किट्टू नाम का बच्चा हुआ करता था। एक दिन अचानक किट्टू बेहोश होकर गिर गया। उसको जांच किया डॉक्टर ने। आपके बेटे को एक अजनबी बीमारी आई है। कीमती दवाइयां एक साल इस्तेमाल किए तो ही वो बच सकता है। उन दवाइयों के लिए महीने का 50,000 खर्चा होंगे। दिनकर आरती दोनों को हार्ट अटैक आने के जैसा हो गया। अगले दिन दिनकर अपने जेसीबी के पास जा रहा था तो आरती उसे रुकाकर, कहां पे जा रहे हैं जी? अपने बच्चे की जान को बचाना है तो मुझे दिन रात इस जेसीबी को चलाकर पैसा कमाना होगा, इसलिए टाउन में जा रहा हूँ। क्या है जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उस पेड़ की तरफ जाना कितना खतरनाक है आपको मालूम तो है ना? वहाँ पे गया एक भी आदमी अभी तक वापस लौट के नहीं आया है। आप मत जाइए जी। मुझे मेरी जान से बढ़कर हमारे किट्टू की जान को बचाना ही ज्यादा प्यारा है। मुझे तो रिस्क उठाना ही होगा। उसके बाद जो भी होगा वो ऊपर वाला देख लेगा। जा रहा हूँ, कहकर जेसीबी चढ़कर चला गया। आरती रोने लगी। किट्टू ये सब दूर से सुनने लगा। वैसे दिनकर जेसीबी में पेड़ के तरफ जाने लगा। उतने में हिरण्य ताटकी उसे रुकाए। हिरण्य हवा में हाथ हिलाते ही वो जेसीबी पेड़ के अंदर चला गया।
उस पेड़ के अंदर हिरण्य दिनकर से। बहुत ही अच्छा वाहन लेकर आए मानव। ये तुच्छ मानव अपने कुल्हाड़ियों से जितना खोदने पर भी सोना ज्यादा नहीं निकाल रहे। तुम्हारे वाहन से कम दिन में 1000 किलो सोना खोद सकते हैं। जाके काम शुरू करो। दिनकर को कुछ समझ में नहीं आया, उसका सर चकरा गया। उतने में उस पेड़ के बाहर से एक हॉर्न बजते हुए आवाज आई। क्यों जी, बाहर कोई वाहन आया है लगता है, कहकर हाथ हिलाई। बात खत्म। किट्टू उसके खिलौने के जीप में अंदर आया। दिनकर किट्टू को देखकर चौंक गया। कौन है रे तू नालायक बालक? तू क्या, तेरा वाहन क्या, क्यों आया है यहाँ पे? माते, वो मेरे पिताजी हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब डॉक्टर ने बोला तो यहाँ खतरा है जानकर भी काम के लिए आए। आप कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। चाहो तो आपका पूरा काम मैं कर लूंगा। ताते की उसकी बातें सुनकर आश्चर्य हो गई। नहीं नहीं माते, उसे छोड़ दीजिए। छोटा बच्चा है, गलती से यहाँ पे आ गया। मैं आपके पास जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा। कृपया उसे छोड़ दीजिए, कहकर नमस्कार किया। वाह, बहुत खूब, तुम बाप बेटे का प्यार देख के लाजवाब लग रहा है, कहकर हिरण्य से। क्यों जी, हमको भी बच्चे होते तो हम भी ऐसे ही होते शायद। बेचारे, इनको छोड़ देंगे जी। हिरण्य तब दिनकर से, मानव अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अब फिर साबित हुआ है। जाके तुम्हारे जेसीबी में जितना सोना भरता है उतना सोना लेकर जा। अरे किट्टू, तू भी अपनी नन्हे जीप में सोना भर के लेकर जा। अब से आप लोग जिंदगी भर खुशी खुशी जियो। तो दिनकर किट्टू दोनों ने उनका प्रणाम किए। दिनकर अपने जेसीबी में सोना भरा। किट्टू वहां पे रहे सोने के बक्से को अपने जीप में डाला। वो दोनों पेड़ के बाहर निकले। वैसे दोनों सोना लेकर वहां से निकल गए।